आज हमारा जो क्लास है, इस क्लास में आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि टेंसेस होते क्या हैं। तो टेंसेस जो होते हैं वो वर्ब, वर्ब यानी कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। तो वर्ब का वो पार्ट होता है टेंसेस जिससे कि हम किसी एक्शन का पता करते हैं कि कौन सा एक्शन हो रहा है। और एक्शन से भी इंपॉर्टेंट बात है कि हम टाइम का पार्ट के बारे में पता करते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा टेंसेस है, इसमें हमने ये टेंसेस ये वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब के बाद हमने एक्शन के बारे में पढ़ा, और एक्शन के बाद हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्शन जो हमारा टेंसेस होता है वो हमारा किस तरीके का टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस? टेंसेस तीन तरीके के होते हैं। तो टेंस हमारा किस तरीके का होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको पता चलता है वो हमको किससे पता चलता है? इस एक्शन से पता चलेगा। और हमको किससे पता चलेगा? टाइम से पता चलेगा। तो टेंसेस के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि टाइप्स ऑफ टेंसेस। कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं? तो टेंसेस हमारे तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जो होता है वो हमारा होता है भविष्य काल। तो आज जो हम पढ़ेंगे टेंसेस वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट जो जितने भी हमारे तीन टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, हर टेंस आगे चल के फिर चार पार्ट्स में टूटता है। सबसे पहले सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हम चूंकि प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको प्रेजेंट से जोड़ेंगे। तो प्रेजेंट से हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आज जो हम टेंसेस पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ दो प्रेजेंट टेंस के सिर्फ दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा पहला फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम क्या चीज पढ़ते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो हमारा इट पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शंस। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो एक हैबिचुअल होते हैं, हैबिट में रहते हैं। जैसे कि आपका हमने सेंटेंस के में एग्जाम्पल लिया, इट जनरली रेन्स इन ऑगस्ट। तो रेन्स जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, और इन ऑगस्ट की ऑगस्ट के महीने में जनरली बारिश होती है। तो ये एक तरीके का हैबिट है। फिर सेकेंड सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस चीज में डाल सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो बिल्कुल सच है, जिसको हम बदल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें क्या है कि जो अर्थ है, हमारी धरती है, वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये एक, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। फिर तीसरा कंडीशन क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? इट इंडिकेट्स प्रेजेंट पीरियड। प्रेजेंट पीरियड का मतलब कि जो सब वर्तमान समय है उसके बारे में बता रहा है कि ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, कि वो इस ऑफिस में काम करता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इसमें जैसे कि हमारा जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो हम जो प्रोनाउंस यूज करेंगे उस प्रोनाउंस में जैसे आई होता है, तो आई के साथ हमने आई आई के साथ हमने सिंपल वर्ब लगा दिया राइट। जैसे सपोजिंग अगर हम राइट लेते हैं, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, राइट मतलब लिखना। अगर हम राइट वर्ब लेते हैं तो अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे और आई प्रोनाउन के साथ लगाएंगे तो आई राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। और दूसरा अगर हम करते हैं इसमें, अगर मान लीजिए कि हम यू है तो यू के साथ भी राइट हो जाएगा। ही और शी अगर हम लगा रहे हैं प्रोनाउन तो उसके साथ हम राइट्स लगाएंगे, डब्ल्यू आर आई टी एस, राइट। तो राइट और राइट जो होते हैं ये दोनों हमारा राइट का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जो दूसरा हम फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस आज करेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार चल रहा है, और प्रेजेंट का मतलब हो गया अभी चल रहा है। तो जो अभी चल रहा है लगातार उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हमारा सबसे पहला क्या है,
एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि बोलने के समय, मेरे बोलने के समय जो भी एक्शन हो रहा है वो हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, जो बॉयज है वो अभी हॉकी खेल रहे हैं। एन एक्शन प्लान इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब ये नहीं होता कि कल परसों, नियर फ्यूचर का मतलब होता है आज ही कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, या शाम, जैसे मैं दोपहर में बात कर रही हूँ तो शाम को, ये होता है नियर फ्यूचर। तो इसमें हो गया आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट, टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, तो आज जब आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। और इसमें हमने बोला कि ये हम आज की रात में मूवी जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो ये हमारा एक एक्शन है जो हमने नियर फ्यूचर में प्लान किया हुआ है। तीसरा कंडीशन हमारा होता है एक टेम्पररी सिचुएशन विच मे नॉट एक्चुअली हैपन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि एक ऐसी टेम्पररी सिचुएशन है जो अभी चल तो रही है लेकिन जरूरी नहीं है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो उस समय वो एक्शन चल रहा है, बट वो चल रहा है। जैसे कि आई एम रीडिंग ऑलिवर ट्विस्ट, एक बुक है, तो आजकल मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, तो मैंने आजकल आई एम रीडिंग ऑलिवर ट्विस्ट की मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारी वर्ब होती है, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बताया कि जो हमारा वर्ब होता है उसका हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, इसमें जो हमारा वर्ब होता है वर्ब के साथ हमेशा हम आई एन जी यूज करेंगे, और इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हम वर्ब के साथ आई एन जी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तो प्ले एक वर्ब है उसके आगे हमने आई एन जी लगा दिया। आई एम रीडिंग ऑलिवर ट्विस्ट, तो रीड एक वर्ब है उसके आगे हमने आई एन जी लगा दिया। आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट, तो गो एक वर्ब है उसके आगे हमने आई एन जी लगा दिया। तो आज हमने ये दो टेंसेस पढ़े, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे की वीडियोस में मैं आपको और भी टेंसेस के बारे में बताऊंगी, सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप और भी वीडियोस इसके आगे के देखते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपका प्रेजेंट टेंस के बाकी के दो फॉर्म्स, जो कि हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच।